दोस्तों, हमने ज़्यादातर देखा है कि हमारे घर में बहुत ही जल्दी हमारे सॉकेट और थ्री पिन टॉप बहुत जल्दी ही जल जाते हैं। ऐसा क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से हमारे इतनी जल्दी कि अभी ही लगाया है और कुछ दिन के अंदर ही हमारे सॉकेट और थ्री पिन टॉप जल जाती हैं, ऐसा क्या रीज़न है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न है लूजिंग। अगर सॉकेट के अंदर हमारा थ्री पिन टॉप लूज़ है तो उसके अंदर स्पार्किंग शुरू हो जाती है, या फिर हम सॉकेट के अंदर खाली ही वायर लगाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से वायर लूज़ होने की वजह से उसके अंदर स्पार्किंग होने शुरू हो जाती है। गर्म होने की वजह से वो बहुत ही जल्दी सॉकेट और थ्री पिन टॉप को जला देता है इस तरह से। या आपका सॉकेट है कम एम्पेयर का और आपने उस पर लोड डाल दिया बहुत ज़्यादा, जैसे कि गीजर का लोड डाल दिया या फिर आपने मोटर का लोड डाल दिया, उसकी वजह से भी आपका सॉकेट जलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। सॉकेट जलने की सबसे रीज़न ये भी है, जो ओल्ड सॉकेट होते थे उसके अंदर 6 एम्पेयर का सॉकेट छोटा होता था और 16 एम्पेयर का सॉकेट बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता था, जिसकी वजह से हमें मालूम हो जाया करता था कि ये पावर का है या नॉर्मल है। लेकिन मॉडुलर सॉकेट के अंदर बिल्कुल सेम साइज़ है। 10 एम्पेयर का भी सॉकेट का सेम साइज़ है और 30 एम्पेयर के भी सॉकेट का सेम साइज़ है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं लग पाता कि ये पावर का है या नॉर्मल है। और नॉर्मल सॉकेट के अंदर भी हम ज़्यादा वो लोड डाल देते हैं जिसकी वजह से सॉकेट हमारा जल जाता है। और इसका एक जलने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि आपका जो सॉकेट है और थ्री पिन टॉप है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। दोस्तों, अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो भी इसका यही रीज़न है कि आपका जो स्विच सॉकेट है वो बहुत ही जल्दी जल जाता है। दोस्तों, अगर मोटर में या गीजर के अंदर कोई भी सॉकेट या थ्री पिन टॉप या स्विच लगा रहे हैं तो आपको अच्छी कंपनी की और बढ़िया एम्पेयर में लगानी ज़रूरी है। और जब भी आप उसके अंदर सॉकेट के अंदर थ्री पिन टॉप लगाएं तो उसको पूरा पुश करें, पूरा बिठाएं अंदर, नहीं तो अगर वो बाहर रह गई तो उसके अंदर भी ये फॉल्ट आ जाएगा। चाहे वो कितना भी अच्छे एम्पेयर की लगा दें, लेकिन अगर आपने सॉकेट के अंदर थ्री पिन टॉप पूरी नहीं बिठाई तो भी आपका फॉल्ट होना शुरू हो जाएगा, स्पार्किंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सॉकेट के अंदर अगर थ्री पिन टॉप पूरी नहीं बैठी तो फिर वो उस पर अंदर स्पार्किंग शुरू हो जाएगी और वो फिर सॉकेट को और थ्री पिन टॉप को जला देगी। अगर कभी भी आप सॉकेट के अंदर थ्री पिन टॉप लगाएं तो उसको पूरा बिठाएं, नहीं तो लूजिंग की वजह से उसके अंदर स्पार्किंग शुरू हो जाती है और उसके अंदर स्पार्किंग शुरू होने के बाद जलने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से हमारे स्विच और सॉकेट जलना शुरू हो जाते हैं।